साढ़े तीन साल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खेती किसानी की जरूरतों में आर्थिक संबल बनी हुई है। अब तक इस निधि से ज्यादा 11 किस्तों से अन्नदाता लाभान्वित हो चुके हैं। गोरखपुर को इस योजना के लांचिंग स्थली का गौरव प्राप्त है। इस जिले में अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 940 करोड़ रुपए की धनराशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 12वीं सहायता किस्त जल्द मिलने वाली है। नई व्यवस्था के तहत किसानों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को ई केवाईसी कराने के लिए बुधवार 31 अगस्त तक का मौका है। गोरखपुर में इस मानसून सत्र में औसत से कम बारिश होने के चलते किसान खरीफ की फसल को लेकर चिंतित है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम बारिश से प्रभावित फसलों का आकलन कराकर नुकसान की भरपाई का निर्देश अधिकारियों को दे रखा है। सीएम के निर्देश के बाद इस दिशा में प्रक्रियात्मक कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इस बीच कुछ एक दिनों में किसानों के खातों में आने वाली पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त की रकम उनकी खेती के घाव पर मरहम जैसी होगी। गोरखपुर में अब तक मिली 11 किस्तों में किसानों को 940 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। जनपद में 527,556 किसान ऐसे हैं जिन्हें इस योजना की कम से कम एक किस्त का लाभ अवश्य मिल चुका है। मानसून से मिली निराशा के बाद किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ताजा किस्त का इंतजार है। पर शीघ्र जारी होने वाली यह किस्त सिर्फ उन किसानों के खाते में ही आएंगी जिन्होंने ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। ई केवाईसी के लिए 31 अगस्त अंतिम तारीख है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से किसानों को लगातार जागरूक किया गया है। उल्लेखनीय है कि पीएम किसान योजना अंतर्गत 2000 रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6000 रुपए मिलते हैं। इससे छोटे किसानों को खाद बीज व सिंचाई जैसी फसली जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिल जाती है। किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस योजना की देशव्यापी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से 24 फरवरी 2019 को की थी।